Salimai chapter 7. पहले 1 horsepower is equal to 1 horsepower foot pound per second में क्या थी 550 foot pound per second. Second है work done on a body is equals to work के हमने 3 formula पढ़े थे ठीक है नहीं power के 3 formula पढ़े थे उसमें पहला ये था work upon time दूसरा ये था energy upon time तीसरा ये था force और velocity का डॉट प्रोडक्ट तो अगर पावर बराबर है वर्क अपॉन टाइम है तो वर्क क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम ठीक है पहला ऑप्शन वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना इसके नाम से ही जाहिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी A ball during its downward journey possesses dash energy. एक बॉल ऊपर से नीचे गुजर गिर रही है इसमें कौन सी एनर्जी है काइनेटिक है पोटेंशियल है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है या इलेक्ट्रिक है काइनेटिक है भाई वो कह रहा है वो जर्नी कर रही है यानी वो हरकत कर रही है तो ठीक है काइनेटिक तो है लेकिन वो ज़मीन से उसकी कोई हाइट है या नहीं है तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी होगी ना सही है मोशन की वजह से काइनेटिक और हाइट की वजह से तो दोनों हो गई ना ठीक है काइनेटिक अगर वो कहता रुकी हुई है तो सिर्फ पोटेंशियल होती रुकी हुई है तो सिर्फ पोटेंशियल होती फिर काइनेटिक एंड पोटेंशियल Which of the following represent the energy lost by 1 newton weight in falling through 1 meter? यही बात कर रहा है एक वेट ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका वेट 1 newton है नीचे आ रही है बॉडी तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी एम जी और वो नीचे गिरेगा तो एनर्जी लूज करेगा इतनी एच को हमने एक्स के दी बहरहाल एम जी क्या है डब्ल्यू है ना और जितना वो नीचे गिरा उसको हमने एक्स नाम दिया था लेकिन बहरहाल हम इसको एच ही रहने देते तो ये 1 newton इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 joule सही है अगर एच को तुम एक्स के दो ऊपर से नीचे आता आ रहा था तो हमने इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया था एक्स तो कितनी एनर्जी लूज की उसने एम जी एक्स एम जी क्या है वेट वेट दिया हुआ है और कह रहा है 1 meter डिस्टेंस है तो x क्या हो गया 1 meter ठीक है तो w वेट है और x डिस्टेंस है 1 into 1 क्या हो गया 1 joule ठीक है तो ये 1 joule इसका आंसर हो गया लेकिन क्यों हुआ ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने 6 1 kilowatt hour किसके बराबर था भाई ये मैंने बताया था डिटेल में 1 kilowatt hour का मतलब था 36 के आगे 5 zero याद है तो 36 के आगे 5 zero तो 36 ज़रब 10 की पावर 5 है कहीं 36 ज़रब 10 की पावर 5 नहीं है तो अगर पॉइंट को शिफ्ट कर दें 3.6 कर दें फिर 10 की पावर क्या हो जाएगी 6 तो वो दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल 7 क्या है Which of the following quantity is defined as the rate of expenditure of energy? Rate of expenditure of किसके बराबर है Power की एक डेफिनेशन ही है ना ठीक है Power. आठवां Power is also defined as the dot product of force and velocity. The average power and instantaneous power becomes equal if work is done at average और instantaneous क्या बराबर होते हैं velocity याद रखें velocity वाली जो हमने पढ़ी थी वही चीज़ है uniform rate. The relation between horsepower and watt is हमने कहा था 1 horsepower बराबर होता है 746 watt के ये दिया हुआ है कहाँ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है
अब अगर मैं यहाँ से वन वॉट निकालूंगा तो ये 746 जाके जाके डिवाइड हो जाएगा। वन वॉट बराबर है 1/746, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 वॉट क्या हो जाएगा, 2/746। 3 वॉट क्या हो जाएगा, 3/746। आगे कहते हैं ग्यारहवीं में काइनेटिक एनर्जी निकालें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मास दिया हुआ है इसने 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, वी है 600 का स्क्वायर, तो क्या आया हाफ। ये 20 से 20 कैंसिल, आप कैलकुलेटर से करना चाहें कर लें, तो यहाँ बच गया 1/10, 6 का स्क्वायर 36, आगे 40 लग गए, ये 10 से 10 और कैंसिल हो गया, 36,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18,000। अब इस तरह के सवाल जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा ना, इनको पहली गो में छोड़ देना, सही है। बारहवीं में कह रहा है 1 वॉट इज इक्वल टू, देखिए 1 वॉट ये भी याद करें, पावर है ना, पावर, पावर की यूनिट वॉट है ना, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं वर्क की जगह जूल रख दूं, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड, तो वॉट क्या है, जूल पर सेकंड। लेकिन अगर मैं वर्क की फॉर्मूला रखूं तो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर अब मैं फोर्स की यूनिट रखूं न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट रखूं मीटर, टाइम की यूनिट रखूं सेकंड, तो पावर की यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड भी है। अच्छा, लेकिन अगर मैं फोर्स की भी वैल्यू रख दूं तो फोर्स क्या है, एम ए इंटू एस अपॉन टी। अब मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, मीटर अपॉन में टाइम दोबारा क्या है, सेकेंड, डायमेंशन जैसे निकालते थे। अब इन सबको मिला दो तो किलोग्राम मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड, इस सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, सेकेंड क्यूब, ये दिया हुआ है आपको। तो ये ऑप्शन होता तो ये भी ठीक होता, ये ऑप्शन होता ये भी ठीक होता, अभी ये ऑप्शन दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। थर्टीन में 0.5 हॉर्स पावर की मोटर क्या होगी, देखिए भाई जब एक हॉर्स पावर 746 वॉट है, देख रहे हो इधर, एक हॉर्स पावर 746 है, तो 0.5 एचपी क्या होगा, 0.5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 0.5 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 343 वॉट, ठीक है भाई। 1 हॉर्स पावर में 746 है तो 2 हॉर्स पावर में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 हॉर्स पावर में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 0.5 आवर्स पावर में कितने होंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 में क्या क्या, अच्छा 373 है ना, कर मेरे से गलती होगी ना, 746 डिवाइडेड बाय 0.5 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। चलो ये उतार लो जब तक, फिर मैं बोर्ड मिटाऊं। फोर्टीन क्या कह रहा है, इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, रेट ऑफ वर्क क्या होती है, पावर, 1000 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या है, वॉट अभी लिखा था मैंने, मिटा दिया, और 1000 क्या है, किलो, तो ये क्या हो गया, 1 किलो वॉट, तो आंसर क्या हो गया, 1 किलो वॉट। 15 में कह रहा है किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ, वैसे तो पता होनी चाहिए जबानी, इन पावर एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर को किलो वॉट में लेते हैं, टाइम को आवर में लेते हैं, तो क्या बन जाता है, किलो वॉट आवर, तो किसकी यूनिट है किलो वॉट आवर, एनर्जी की, सही है। वॉट किलो वॉट ये पावर की है, किलो वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया, तो क्या बन गया ये, एनर्जी। आगे एन एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू एयर एट ए वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी है एक एयरक्राफ्ट की, एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, जो फोर्स लग रही है वो के वी स्क्वायर है, तो पावर क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, के वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी, क्या हो जाएगा, के वी क्यूब, ठीक है। अच्छा आगे कहता है फोर्स इज
एफ ये दी हुई है वेक्टर फॉर्म में और वी ये दिया हुआ है, तो पावर क्या था एफ डॉट वी। ये डॉट प्रोडक्ट हमने चैप्टर टू में स्किप कर दिया था, लेकिन बहरहाल ये बहुत आसान है निकालना। देखिए इसमें आई के साथ क्या है टू, इसमें आई के साथ क्या है थ्री, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसमें जे के साथ क्या है माइनस वन, इसमें जे के साथ क्या है टू, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसमें के साथ क्या है माइनस वन, के साथ माइनस फाइव, और बीच में क्या आएगा प्लस। तो टू थ्री ज़ार सिक्स, प्लस माइनस माइनस, टू वन ज़ार टू, माइनस माइनस प्लस, फाइव वन ज़ार फाइव, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, माइनस टू नाइन वॉट। ठीक है, अच्छा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। 18वें में कहता है अ स्मॉल इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड टू रेज अ वेट ऑफ 2 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर इन 4 सेकंड। 2 न्यूटन का वेट है, 80 सेंटीमीटर हाइट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, वर्क एम जी एच अपॉन टाइम, अगेन वेट अगर बनाना है तो एम जी वेट हो गया, तो वेट टू हाइट 80 सेंटीमीटर, 80 अपॉन 100.8, टाइम 4 सेकंड, सॉल्व करोगे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 19 में कहता है टू ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड अ कार इंजन प्रोवाइड 24 किलो वाट, किलो का मतलब होता है 1000 वाट पावर है इंजन की, और फोर्स जो इंजन लगा रहा है 600 न्यूटन है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पावर फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी पावर अपॉन फोर्स, सॉल्व कर लो 40 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी विल बी, पावर एंड वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ क्या होगा कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ के सवाल उम्मीद है नहीं आएंगे, बहरहाल नन ऑफ देम, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये वैसे ही दे दिए इसमें, तो ये हमने एम सी क्यूज कर लिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ ये एम सी क्यूज संभाल के रखें, इनकी प्रैक्टिस करें बार बार। अब ये जो आपका मॉडल पेपर आया इसमें भी एम सी क्यूज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, और आपके कोशिश करेंगे हम पेपर ले लें एक दो इस पैटर्न पे, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। वैसे तो लगता है आप लोग ने